हेलो गाइस, मैं नाम है माही और आज मैं जिस मूवी पे रिएक्ट करने वाली हूँ उसका नाम है स्क्विड गेम। ये मूवी 2021 में रिलीज़ की गई थी। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर सेओंग को दिखाया जाता है, जिसकी बेटी का बर्थडे होता है, जिस वजह से सेओंग की मदर उसे कुछ पैसे देती हैं ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके। लेकिन अब सेओंग को और पैसों की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए वो अपनी मदर के ATM कार्ड चुरा लेता है और उनके ATM कार्ड से सारे पैसे चुरा लेता है और उन पैसों को वो हॉर्स राइडिंग पर लगा देता है। इस गेम में वो 4 मिलियन won जीत जाता है। अब सेओंग ने एक कंपनी से पैसे उधार ले रखे थे, जिस वजह से वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और इसके बाद वो सेओंग को पकड़ लेते हैं और उसे काफ़ी मारते हैं। और जब सेओंग उनके पैसे लुटाने के लिए अपनी पॉकेट चेक करता है तो वो देखता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है, यानी वो पैसे हॉर्स राइडिंग में जो उसने जीते थे वो चोरी हो गए हैं। तब उसे याद आता है जब वो इन लोगों से बच कर भाग रहा था तो एक लड़की से टकराया था। हो सकता है कि उस लड़की ने उसकी जेब काटी। अब क्योंकि सेओंग के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो लोग उसे 1 महीने का और टाइम देते हैं जिसमें वो उसके पैसे लौटा सके। इसके बाद सेओंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को ट्रेन पर ले जाता है। इसके बाद वो स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन इसकी ट्रेन मिस हो चुकी थी। और जब सेओंग वहां पर बैठकर ट्रेन के आने का वेट कर रहा था, तभी अचानक उसके पास एक आदमी आता है और ये उसके लिए एक अननोन पर्सन था, क्योंकि सेओंग उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर वो पर्सन सेओंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। और सेओंग को कहता है अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1,00,000 won दूंगा। तो इतने सारे पैसों का सुनकर वो गेम खेलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद सेओंग काफ़ी मार खाने के बाद ये गेम जीत जाता है, यानी वो 1,00,000 won हासिल कर लेता है। इसके बाद वो अन्य पैसों से कार्ड देता है, ये कहते हैं कि अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत है तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। इस पर सेओंग जब अपने घर जाता है तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ US में शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सेओंग की डिवोर्स हो चुकी है, उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है। लेकिन सेओंग कभी ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से दूर जाए, लेकिन उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है अपनी बेटी की कस्टडी को वापस लेने के लिए। तो इसलिए सेओंग उस कार्ड वाले पर फ़ोन करता है और इसके बाद उन लोगों को एक गाड़ी में लाया जाता है जहाँ पर और भी बहुत से लोग थे। लेकिन फिर उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है और जब उनकी आंख खुलती है तो खुद को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहाँ पर टोटल 456 लोग थे और वहाँ वो एज अ प्लेयर काम कर रहे थे, क्योंकि उन सब ने एक यूनिफॉर्म पहन रखा था। इस फैसिलिटी का एक आदमी जो कि फ्रंट मैन था और वो सब पर वहाँ पर नज़र रख रहा था। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज़ थी कि जितने भी लोगों को वहाँ पर लाया गया था उन सब ने कर्जे लिए हुए थे। सेओंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था, यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया था, क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे ही ख़त्म होने वाली थी। इसके बाद वहाँ 2 प्लेयर्स जिनमें लड़की का नाम सेबियोक और लड़के का नाम जेंग होता है, उनके बीच फाइट होती है। अब यहाँ पर सेबियोक वही लड़की थी जो कि सेओंग के पैसे लेकर भाग गई थी, यानी उसी ने उसकी जेब काटी थी। सेओंग तो उसे देखते ही पहचान जाता है और अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था और उनके फेस अच्छी तरह से कवर थे। गार्ड्स उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम लोग को टोटल यहाँ पर 6 गेम्स खेलनी होंगी और जो इस गेम का विनर होगा उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उनसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल्स हैं कि पहला रूल कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। सेकंड रूल कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा तो उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और उनके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। गेम का 3rd रूल ये था कि अगर मेजोरिटी इस गेम को नहीं खेलना चाहती तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पर सेओंग अपने क्लासमेट सेंगवू से भी मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता था। सेओंग उसे वहाँ पर देखकर काफ़ी हैरान होता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहले गेम के लिए वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी डॉल थी और इस गेम का रूल काफ़ी सिंपल था और वो ये था कि डॉल जब एक गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है और जैसे ही वो गाना गाना बंद करेगी तो उन सबको रुक जाना है और मूव नहीं करना है, और अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो ये उन्हें सब कुछ किसी प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिलता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है और यही एलिमिनेट का मतलब होता है, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। अब ये देखकर काफ़ी लोग घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल गया था कि वो लोग खतरे में हैं, इसलिए वो डरते हुए पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं।
लेकिन अब क्योंकि गेम का रूल था इसलिए जो जो हिलता है उसे मार दिया जाता है और जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं वो किसी न किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर ही लेते हैं, लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ को वहाँ से ले जाया जाता है। और अब 456 प्लेयर्स है, सिर्फ 255 ही प्लेयर्स रह गए थे। अब क्योंकि वो सारे प्लेयर्स इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे कि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजोरिटी चाहे तो वो ये गेम स्किप कर सकते हैं, तो इसलिए इनका लीडर यानी फ्रंट मैन वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है यानी जो फिनर को मिलेगी, लेकिन इन केस अगर कोई गेम को छोड़कर चला जाएगा तो ये सारे प्लेयर्स मरे हुए प्लेयर्स की फैमिली को मिल जाएंगे और ये प्राइज मनी टोटल 255 बिलियन होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसके बाद मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, इसलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में वो लोग चाहें तो इस गेम को रीजॉइन कर सकते हैं। इसके बाद उन सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है और नेक्स्ट डे सेवन पुलिस स्टेशन पर जाता है और वहाँ वो पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन उन लोगों को सेओंग की बातों पर बिलीव नहीं होता और उल्टा वो लोग उसको पागल समझने लगते हैं। उसके बाद सेओंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उस पर जो नंबर था वो रॉन्ग था। इसके बाद सेओंग जब घर जाता है तो उसकी मदर वहाँ पर नहीं होती। उधर सेओंग का क्लास में सेंग वू अपनी मदर को छुपकर देख रहा होता है और तभी वहाँ पर सेओंग भी आ जाता है। यहाँ पर सेंग वू अपसेट होते हुए सेओंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है और वो बताता है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे, लेकिन अनलकीली वो सारे पैसे डूब गए। और तभी सेओंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि सेओंग की मदर का पैर काफ़ी इंजर्ड था और डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी चोट और ज़्यादा पड़ गई। तभी डॉक्टर सेओंग को बताते हैं कि तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनका पैर काटना होगा और इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है सेओंग के पास तो इतने पैसे होते नहीं हैं, इवन उसने तो अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। तो इसीलिए सेओंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे नहीं देती। फिर वो अपने हस्बैंड को बताती है कि सेओंग आया था पैसे मांगने के लिए, तो तभी उसका हस्बैंड सेओंग को पैसे देने आता है। साथ साथ उसे ये भी कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन सेओंग उसे मारने लगता है और तभी उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद सेओंग का एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। तो इसी दौरान उनके बीच में फाइट होने लगती है और इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है, तो मौके का फ़ायदा उठाकर सेओंग का फ्रेंड पैसे उठाकर वहाँ से भाग जाता है। एक बार सेओंग का फ्रेंड अपने घर आकर अपनी वाइफ को कहता है कि पहली फ्लाइट लो और जाओ यहाँ से। एक बार सेवुक एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसने अपनी एजेंट को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। सेवुक वही लड़का जिसने सेओंग की जेब काटी थी, लेकिन यहाँ अपनी मदर को लाने के लिए सेवुक को अब काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। अब सेवुक का एक छोटा भाई भी होता है जिसे उसने प्रॉमिस किया था कि मैं मदर को ज़रूर लेकर आऊँगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है और इस ऑफिसर का भाई कुछ देर से मिसिंग था, इसलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है जहाँ से पता चलता है कि उसका भाई तो पिछले कुछ दिनों से ही अपने घर पर नहीं था। और जब ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे कार्ड मिलता है और इस ऑफिसर ने यही सेम कार्ड पुलिस स्टेशन में सेओंग के पास भी देखा था, तो इसीलिए वो ऑफिसर सेओंग के पास जाकर इसे उसके बारे में पूछता है, लेकिन सेओंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद सेओंग जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है। अब सेओंग डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उस गेम को ज्वाइन करेगा। गाइस, मूवी का नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आपको मेरी मूवी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।